गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हेयर अगेन विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द थर्ड चैप्टर ऑफ जियोग्राफी। सो ऑन June 21st द नॉर्थन हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। द सन रेज फॉल डायरेक्टली एट द टॉप ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एज अ रिजल्ट दीज एरियाज रिसीव मोर हीट। दिस पोजिशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड समर सोल्स्टिस। It is summer season in the northern hemisphere and winter season in the southern hemisphere. On June 21st, the places in the northern hemisphere have the longest day and shortest night. The North Pole is inclined towards the sun and the places beyond the Arctic Circle experiences continuous daylight for about 6 months, but these areas still receive less heat as the rays of sun are slanting. जो हमारा 21 जून होता है उस दिन क्या होता है, जो हमारा सबसे बड़ा दिन कहा जाता है नॉर्थन हेमिस्फेयर में, यानी हमारा जो इंडिया है वो नॉर्थन हेमिस्फेयर में आता है। तो 21 जून क्या होता है, सबसे लंबा दिन होता है और छोटी रात होती है। और ये क्यों होता है ये इसमें बताया गया। देखिए ये आपको 21 जून का दिए गई है पोजीशन। इसमें क्या है, जो ये हमारा नॉर्थ पोल है ये सन की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंटेड है, उसकी तरफ झुका हुआ है। तो सन किस पे डायरेक्ट जो है ये रेज गिर रही हैं, जिससे क्या होता है इस एरिया में ज़्यादातर हीट होती है और लंबे टाइम तक हीट रहती है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, दिन जो है वो लंबे होते हैं 21 जून को और जो नाइट है वो छोटी होती है। द समर सीजन इन द इस टाइम पे क्या होता है, जो हमारा नॉर्थन हेमिस्फेयर होता है उसमें समर का सीजन होता है और जो साउथ वाला होता है उसमें विंटर सीजन होता है, क्योंकि उसमें जो सन की रेज है वो स्लैंटिंग पहुंच पाती है और उसमें ज़्यादा हीट नहीं होती है। तो जो आर्कटिक जो हमारा आर्कटिक सर्कल होता है नॉर्थन हेमिस्फेयर, उसमें क्या होता है सन की रेज जो है वो इंक्लाइंटेड होता है सन की टुवर्ड्स। क्या होता है उसमें लगातार 6 महीने तक दिन ही होता है, लेकिन गर्मी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि सन की रेज वहाँ पे स्लैंटिंग होती है, यानी तिरछी गिरती हैं ना कि सीधी गिरती हैं। तो इसमें दिया गया कि 21 जून को क्या होता है, हमारा समर सोल्स्टिस होता है और जो नॉर्थन हेमिस्फेयर होता है उसमें समर सीजन होता है और साउथर्न में विंटर सीजन होता है। इफ़ यू लुक एट द डायग्राम यू विल नोटिस दैट After about 3 months, therefore on 23rd September, the sun rays fall directly at the equator and both the hemisphere get equal heat. The duration of day and night is equal in both the hemispheres. At this time, it is autumn season in the north hemisphere and spring season in the south hemisphere. It is called autumnal equinox. देखिए इक्विनॉक्स का मीनिंग होता है इक्वल डे एंड नाइट, यानी कि दोनों का जो टाइम ड्यूरेशन है वो सेम होता है। तो इसमें ये दिखाया गया डायग्राम में कि 21 जून को क्या होता है, समर सोल्स्टिस होता है नॉर्थन जो हेमिस्फेयर होता है, उसके ठीक 3 मंथ्स आफ्टर जब हमारा 23rd सेप्टेम्बर आता है तो जो सन की पोजिशन होती है वो ऐसी होती है कि सन की जो रेज होती है वो इक्वेटर पे डायरेक्टली गिरती है। हमारी इक्वेटर होता है जो बीच की हमने इमेजिनरी लाइन मानी गई है, जो हमारे दोनों हेमिस्फेयर को डिवाइड करती है नॉर्थ और साउथ को, उसको हम इक्वेटर बोलते हैं। तो जो सन की रेज है वो इक्वेटर पे डायरेक्ट गिरती है और जिससे क्या होता है वो नॉर्थन हेमिस्फेयर पे भी इतनी ही गिरती है और साउथर्न पे भी। तो इससे क्या होता है, जो डे और नाइट की ड्यूरेशन है वो इक्वल होती है और 23rd सेप्टेम्बर को क्या होते हैं, डे और नाइट की जो ड्यूरेशन हमारी वो इक्वल होती है। और इसमें क्या होता है, जो नॉर्थन हेमिस्फीयर होता है उसमें ऑटोमन का सीजन होता है और जो साउथर्न हेमिस्फीयर होता है उसमें स्प्रिंग सीजन होता है। देन अगेन आफ्टर 3 मंथ्स ऑन 22nd दिसंबर द साउथर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन एंड सन रेज फॉल डायरेक्टली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देयरफॉर इट इज़ समर सीजन इन द साउथर्न हेमिस्फेयर एंड विंटर सीजन इन द नॉर्थन हेमिस्फेयर। द डेज आर लॉन्गर एंड नाइट्स आर शॉर्टर इन साउथर्न हेमिस्फेयर। देखिए फिर इसके आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ 23rd सेप्टेम्बर जो हमारा 22nd दिसंबर होता है उसमें क्या होता है, जो साउथर्न हेमिस्फेयर होता है वो सन के टुवर्ड्स आ जाता है, क्योंकि हमारे जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे भी रोटेट करती है।
तो जो साउथ वाला हिस्सा है वो सन की तरफ आ जाता है और उस टाइम साउथ में समर होती है, और जो हमारा नॉर्थ हेमिस्फेयर है वो उसमें स्लैंटिंग रेज गिरती हैं, तिरछी किरणें पड़ती हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाती है, विंटर हो जाती है। तो उसको हम बोलते हैं विंटर सोल्स्टिस। उस दिन क्या होता है, हमारे यहाँ पे रातें नॉर्थन हेमिस्फेयर में क्या होता है, नाइट लंबी होती है और डे शॉर्ट होते हैं, और साउथन हेमिस्फेयर में क्या होता है, डे लॉन्गेस्ट होते हैं और नाइट जो है वो छोटी होती है। दस द साउथ पोल इज इंक्लाइनिंग टुवर्ड द सन एंड द प्लेसेज बियॉन्ड द अंटार्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ्स। दिस पोजिशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड विंटर सोल्स्टिस। यही बताया गया कि इसमें क्या होता है, जो साउथ पोल होता है वो सन की तरफ होता है, और जो हमारा अंटार्कटिक सर्कल का जो एक्स वो क्या क्या एक्सपीरियंस करते हैं उसमें ज़्यादा डे ज़्यादा लाइट गिरती है, और कहते हैं कि 6 महीने तक वहाँ पे डे लाइट ही रहती है, यानी रात को भी इतना ही जो है वहाँ पे लाइट होती है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं विंटर सोल्स्टिस। और समर सोल्स्टिस में क्या होता था, आर्कटिक सर्कल पे सेम जो ये सिचुएशन है वो आर्कटिक सर्कल पे होती थी। ऑन 21 मार्च अगेन द रेज ऑफ सन फॉल वर्टिकली एट द इक्वेटर, हैंस बोथ द हेमिस्फेयर गेट इक्वल हीट फ्रॉम द सन। द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट इज इक्वल इन बोथ हेमिस्फेयर्स। इट इज़ स्प्रिंग सीजन इन द नॉर्थ हेमिस्फेयर एंड ऑटोमन सीजन इन द साउथर्न हेमिस्फेयर। दिस पोजिशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड वर्नल इक्विनॉक्स। तो फिर आफ्टर उसके 3 महीने बाद क्या होता है, जो 21 मार्च आता है उसमें फिर जो है अर्थ की पोजिशन ऐसी हो जाती है कि दोनों हेमिस्फेयर पे जो सन की हीट है वो इक्वली गिरती है, यानी इक्वेटर पे वर्टिकली, यानी वर्टिकल होता हमारा सीधा, कि इक्वेटर पे वर्टिकली रेज जो है वो डाउन होती है सन की, और जिससे क्या होता है कि डे की ड्यूरेशन और नाइट की ड्यूरेशन अगेन इक्वल हो जाती है। तो कब होती है नाइट और डे की ड्यूरेशन इक्वल, 21 मार्च को और 23 सेप्टेम्बर को। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, नॉर्थ हेमिस्फेयर में इस टाइम पे स्प्रिंग का सीजन होता है और साउथर्न में ऑटोमन का सीजन होता है, और इस इक्विनॉक्स को हम बोलते हैं वर्नल इक्विनॉक्स। इन दिस वे वी कैन से डैट डे एंड नाइट आर कॉज्ड ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन द इट्स एक्सिस, वाइल सीजन्स आर कॉज्ड ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। द इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस बाई 66 and 1.5 degree, द टू हेमिस्फेयर एक्सपीरियंसिस समर when they are closer to the sun and winter when farther away from it। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो डे और नाइट है वो अर्थ की रोटेशन के कारण होते हैं, लेकिन जो सीजन होते हैं वो अर्थ की रिवोल्यूशन जो है उसके सन के चारों तरफ उसके कारण होते हैं। रोटेशन क्या होती है, जब अर्थ खुद के ही एक्सिस के पर घूमती है उसको हम रोटेशन बोलते हैं, जिससे डे और नाइट होते हैं। और रिवोल्यूशन होती है जब अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ मूव करता है उसको रिवोल्यूशन बोलते हैं। तो जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे कितने एंगल पे झुकी हुई है, 66.5 degree पे। तो यही कहा गया है कि जो हिस्सा सन की तरफ, जब हेमिस्फेयर जो होते हैं वो सन के नज़दीक होते हैं तो उस टाइम पे क्या होती है, वहाँ पे समर होती है यानी गर्मी होती है, और जब सन से दूर होते हैं तो विंटर का सीजन आता है। सो स्टूडेंट्स, नाउ योर चैप्टर इज कम्प्लीट। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।